कितने का है? I'm Dr. Gitika Rawat. Welcome to my channel. आज मैं जा रही हूँ, बहुत जल्दी में हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, दिवाली पार्टी है मेरे घर में, तो मुझे जानी है दिवाली पार्टी की स्पेसिफिकली शॉपिंग करने. मैं जा रही हूँ अगेन चांदनी चौक, थोड़ा ज्यादा आई थिंक बंधन गई हूँ. ज्यादा बंधन गई हूँ क्या? ये देखो मेरा पति जो सोया पड़ा था मजे से घर में, एंड मैं उसको जबरदस्ती उठा के ले आई हूँ, मेट्रो स्टेशन तक छोड़ना था मुझे. मैं जा रही हूँ मेट्रो से बिकॉज एज आई सेड इन माय लास्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए मेरी लास्ट चांदनी चौक वाली वीडियो पे. और एज ऑलवेज मैं चांदनी चौक प्रेफर करती हूँ मेट्रो से जाना, तो मैं जा रही हूँ मेट्रो से. और थोड़ी लेट हो गई हूँ, मैं आउटफिट की डिटेल्स आपको आगे वीडियो में जरूर दूंगी, मैं क्या पहन के जा रही हूँ और क्या क्या खरीदते हैं वहाँ, क्या क्या मिलता है, क्योंकि चांदनी चौक है, इतनी सारी चीजें होंगी इस टाइम पे, तो फेस्टिव सीजन है, वेडिंग सीजन आने वाला है, तो आई एम श्योर कि मेरा ध्यान और भी चीजों पर जरूर जाएगा. तो वीडियो जरूर वॉच करिए पूरा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. मैं रहती हूँ फरीदाबाद में, और मेरे लिए क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन है सराय. सराय से मैं लेती हूँ वॉयलेट लाइन टूवर्ड्स कश्मीरी गेट, और मैं मेट्रो चेंज करूँगी सेंट्रल सेक्रेटरीट पे उतर के, एंड वहाँ से मैं लूँगी हुडा सिटी के लिए येलो लाइन, एंड वहाँ मैं उतरूँगी. सेकेंड स्टेशन आ जाता है चांदनी चौक, और यहाँ पर बहुत आराम से अगर आपको पेमेंट्स, आप पहली बार अगर दिल्ली आ रहे हो तो आप आराम से पेटीएम के थ्रू भी पेमेंट्स कर सकते हो. आपको अपना ड्रेस भी दिखा देती हूँ, मैं ये मैक्सी ड्रेस पहन के जा रही हूँ, कॉटन मैक्सी ड्रेस है, बहुत फ्लोई सी है, मुझे पीआर गिफ्ट में मिली थी. अगर आपको डिटेल्स चाहिए हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम में चेक कर सकते हो जाके. चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन पे उतर के ये वाला रास्ता लेती हूँ जो जाता है टूवर्ड्स दरीबा कलान, क्योंकि मुझे सबसे पहले दरीबा कलान की तरफ ही जाना है. तो यहाँ पे रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, और मंदिर से आपको जाना है गुरुद्वारे की तरफ. लास्ट टाइम भी अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें भी मैंने यही रूट लिया था. और यहाँ पे रास्ते में आपको बहुत सारी छोटी छोटी सस्ती सस्ती चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी, जैसे लड़कों के कपड़े, जीन्स वगैरह काफ़ी सारी होंगी, लेकिन काफ़ी सस्ती क्वालिटी की हैं, तो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ का, मैंने कभी ट्राई नहीं किया. टी शर्ट्स दिख रही हैं यहाँ पे, शूज़ दिख रहे हैं, ये सब मतलब रोड साइड पे आपको सारा सस्ता सस्ता मतलब 200 300 400 रुपए तक का सामान मिलना शुरू हो जाएगा. अगर आपको ये सब में देखने में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर चेक कर सकते हो. मतलब बेसिकली चांदनी चौक है, तो चांदनी चौक तो होलसेल पूरा मार्केट है, तो यहाँ पर तो आप कुछ कह नहीं सकती हूँ कि कहाँ पे आपको अच्छा सामान मिल जाए. क्या पता वो अच्छा निकले, क्या पता ख़राब मिले, कुछ पता नहीं है. बट एनीवेज मुझे दिखाना था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, ताकि आपको आइडिया पड़ जाए कि आप सही जा रहे हो या नहीं. सामने दिख रहा है गुरुद्वारा, काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ से मैंने राइट लिया. ये है दरीबा कलान. किसी से भी आप पूछ लोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे. यहाँ घुसते ही मेरे को दिख गई चारों तरफ सारी शादी की शॉपिंग के लिए परफेक्ट स्पॉट है. अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है चांदनी चौक का, तो डेफिनेटली जाके देख लो. मैंने उस वीडियो में मेजरली चांदनी चौक में वेडिंग शॉपिंग ही कवर की है. आज हालांकि मैं आई हूँ कुछ दिवाली की शॉपिंग करने, बट साथ में आपको लहंगे भी दिखाऊंगी सुंदर सुंदर, जो भी मुझे शॉप्स रास्ते में पड़ी उनके बारे में ज़रूर दिखाऊंगी. तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार. तो मुझे दिख गया रास्ते में बहुत ही सुंदर से कुछ दुकानें जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे लहंगे थे. कितने का है ये? 15-5. कार्ड है आपकी शॉप का? दीजिए कार्ड. और ये वाला वेलवेट 6500. आपको डिजाइन कलर मिल जाएगा, आपको डबल बार बड़ी लगेगी. ये वाला पड़ेगा 8500. शॉप के अंदर वीडियो अलाउड नहीं होती, तो मैं थोड़ा सा ही कवर कर पाई. तो बेसिकली मैं बहुत सिंपल सी साड़ियाँ देख रही थी, जिसमें बस बॉर्डर पे वर्क हो या थोड़ा बहुत वर्क हो सीक्वेंस का. तो प्रिटी प्रिटी साड़ियाँ थी इनके पास, जिसकी रेंज स्टार्ट हो रही थी 1500-2000. ये वाली साड़ी थी करीब 3000 की. ऑब्वियसली मैं डिस्काउंट करवाती तो शायद मुझे और सस्ते में पड़ जाती. ये ब्लैक है क्या है? ऑलिव कलर. मेहंदी कलर. ये 8500 की रेंज है. आपका कार्ड दिखाइए. नहीं नहीं मैं यही सो.
थोड़ा सा लैस भी कर दूँगा। आगे चलते चलते मुझे रास्ते में दिखी लेसेस की कई सारी शॉप्स, तो थोड़ा बहुत मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं। अगर आप स्पेशली कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि साड़ी आप बनाओ या अपना लहंगा बनाओ या शादी का दुपट्टा में बॉर्डर लगवाना है, तो आप यहाँ पे जरूर चेकआउट कर सकते हो। कितने का 250 का ये बंडल है? कितना? 9 मीटर। फिर मैं आ गई फाइनली उस स्पॉट पे जहाँ पे मुझे सारा डेकोरेशन का सामान दिखा, जो कि है किनारी मार्केट। किनारी मार्केट में बेसिकली आपको डेकोर का भी काफ़ी सारा सामान, मतलब ऑल सीजन मिलेगा, और अगर आप टाइमली यहाँ पे आ जाओ तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते में बंडल में चीज़ें मिल सकती हैं। पिटाई हुई है मम्मी, कहाँ उठा के ले आई तुम्हें? हैं कहाँ उठा के ले आई मम्मी चांदनी चौक में? अभी इस महीने जो जो सामान है मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती जाती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ इतने सुंदर सुंदर डेकोरेशन के सामान है। दिवाली आने वाली है तो फिर मैं तो एकदम ही एक्साइटेड हो गई सब कुछ देख करके। बट ऑफ कोर्स अगर आप लोग कोई होलसेल शॉप डिस्कवर करना चाहते हो और आप चाह रहे हो कि यू नो आप लोग की रिटेल शॉप है या फिर आप ऑनलाइन काम करते हो, तो डेफिनेटली किनारी मार्केट आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे लोग एग्जीबिशंस के लिए भी यहाँ से सामान ले जाते हैं, क्योंकि बल्क में यहाँ पर काफ़ी डील्स मिल जाती हैं। तो अगर आप लोग सेलर हो तो डेफिनेटली बल्क में चीज़ों में डील करना तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीप में पड़ेगा। मेरी फ्रेंड यहाँ पे मेरा वेट कर रही थी और हमने साथ में स्टार्ट कर दी अपनी दिवाली की शॉपिंग। मैंने लिया ये वाला जो मुझे पड़ा 90 रुपये का, एक भैया टूटा हुआ तो नहीं है ना कुछ? कितने यहाँ पे छोटे छोटे से दिवाली के दिए डेकोरेटेड कितने सारे इतने बल्क में रखे हुए थे, ये करीब 30-40-50 रुपए के हैं। एंड इनफैक्ट मैं तो दिवाली के टाइम पे आई हूँ तो शायद इस वजह से थोड़ा महंगा होगा, लेकिन आप पहले से आओगे आई एम श्योर ये लोग बहुत अच्छी डील में आपको सामान दे देंगे। ये 80 का 1। मैंने कर ली अपनी छोटी मोटी दिवाली की शॉपिंग, लेकिन साथ में मेरे को आप लोगों को थोड़ा बहुत जो भी सामान मुझे दिख पा रहा है या जो लोग थोड़ा बहुत शूट करने दे रहे हैं तो वो मैं आगे वीडियो में ज़रूर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ज्वेलरीज़ वगैरह की शॉप वाले अलाउ नहीं करते अंदर से शूट करना, बट मैंने यहाँ पर पता तक किया था तो ये मीनाकारी वाला सेट और ये सारे जितने सेट हैं ये अराउंड आपके 3-4 हज़ार की रेंज में हैं, लेकिन बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है। लाइक देख के ही समझ में आ रहा था कि काफ़ी प्रिटी एंड काफ़ी सुंदर है। मैं वीडियो में आपको शॉप्स क्या दिखा दे रही हूँ बोर्ड, ताकि आप आराम से जब भी जाओ तो आप चाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी कि लास्ट मेरी जो वीडियो है उसमें मैंने ज्वेलरी ही मेजरली कवर की है और थोड़े बहुत लहंगे भी कवर किए हैं, तो आप वहाँ से भी थोड़ा इंस्पिरेशन ले सकते हो, अपना आइटिनरी यू नो डिसाइड कर सकते हो जाने से पहले शॉप्स के नाम वगैरह। उसके अलावा ये शॉप्स हैं जहाँ पे आपको सेट्स मिल जाएंगे काफ़ी सस्ते में, यहाँ पे ऑप्शंस 1000-1500 से भी स्टार्ट थे। और आगे चलते चलते मुझे दिख गई ये बहुत ही प्रिटी से फ्लावर की शॉप। 300 का आप ये कह रहे हो पूरा गुच्छा? हाँ, ये वाइट वाला भी? हाँ जी। रोज? ये रोज 200 का पड़ेगा पूरा। 7 ये ऊपर पियोनीज है जो 120 का है पूरा। अपना कार्ड दोगे? फिर मेरी आंख पड़ी इतनी अमेजिंग शॉप पे, यहाँ पे इतने हैवी हैवी लहंगे, माय गॉड 5-6 हज़ार के थे, मतलब मुझे तो देख के ही नहीं विश्वास हो रहा था, इतना सुंदर काम हो रखा था। ऑफ कोर्स ये हैंडवर्क तो नहीं होगा, ये लोग कहते हैं कि हैंड और मशीन वर्क मिक्स है, बट आई थिंक इट इज़ मशीन वर्क, बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये ब्राइडल स्टूडियो ये किस किस रेंज के?
पार्टी वेयर हमारे, ये थोड़े लो प्राइस के हैं, आप कहेंगे तो इसमें और भी आपको वैरायटी मिल जाएगी, 4,000, 5,000, 6,000 प्राइस आपका चीज है। थैंक यू। अच्छा, चांदनी चौक तो इज़ लाइक एंडलेस, आप जहाँ से शुरू करो आप बाद में एंड में कहीं और ही जाके निकलते हो। सो बेसिकली आप जब भी चांदनी चौक विज़िट करो तो सुबह से लेके शाम तक का प्रॉपर टाइम लेके निकलना। यहाँ पे मुझे इतने सारे प्यारे प्यारे कलीरे दिखाई दिए, इतने सुंदर, आई विश कि मेरी शादी के टाइम पे मुझे दिखाई दिए होते। इसमें शेल्स भी लगे हैं, प्राइजेस भी इसमें मेंशन थे, 500, 600, 400 रुपये के सारे जो टैग्स लगे हुए हैं उसके हिसाब से प्राइज़ है इनका। ये कलीरे कितने के हैं? कलीरे के में ये 800। इस तरीके के पार्टी वेयर लहंगे जैसे कि सिस्टर ऑफ द ब्राइड है या फिर आपकी फ्रेंड की शादी है, आपके भाई की शादी है, तो आपको थोड़ा सा लाइट लहंगा अगर पहनना है तो आई थिंक आप इस टाइप की ये जो ओपन शॉप्स होती हैं छोटी छोटी, यहाँ पे ज़रूर चेक कर सकते हो। काफ़ी चीप में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि जो अंदर अंदर बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, क्लोज शॉप्स होती हैं, वहाँ थोड़ा आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। ये वाली शॉप मुझे रास्ते में दिखी तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम दिखाऊँ, किस टाइप के लहंगे वो दिखा दूँ। ये थोड़ा हैवी वर्क में लहंगे हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव शॉप थी, ये स्वाति साड़ीज करके तो अलाउ भी नहीं कर रहे थे लेना। फिर मुझे रास्ते में दिखी, ये मेन रोड पे ही आपको दिख जाएगा, बाहर की तरफ ही एक शॉप है, ये काफ़ी फेमस शॉप है चिकन की, तो ये करीब 950 बोल रहे थे इन कुर्ती का। और उसके अलावा अगर आप प्योर में कुर्तियाँ हैं जैसे ये सारे कुर्ता मटीरियल है, जो बहुत एक्सपेंसिव स्टफ़ ढूंढ रहे हैं अपनी शादी के लिए स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे काफ़ी महंगा महंगा भी था सामान, मतलब 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार के भी सूट पीस थे। एक ये वाला सूट पीस था जो सेल पे था तो 1100 रुपये का है, लेकिन प्योर मटेरियल में है, तो जिसको पता हो और जिसको चाहिए ऐसे प्योर का सामान चिकन में तो डेफिनेटली देख सकते। किस रेंज का है? दिखाई ये गॉर्जियस सा लहंगा, आप देखो कितना कितना हैवी काम है इसमें, बट ये हैवी बहुत एक्सपेंसिव, ये उनके लिए जो इनका बजट होगा ऊपर, तो ये करीब 150 के अराउंड कह रहे थे, तो आई थिंक डिस्काउंट में कम से कम 1 लाख तक का तो पड़ेगा, तो ये काफी एक्सपेंसिव था। ये पिंक वाला जो सूट था ये भी काफी हैवी वर्क में था, ये अराउंड 60 का कह रहे थे, तो आई थिंक 40-50 तक तो दे ही देते होंगे, लाइक इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना बार्गेनिंग करते हो एंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब काफी सुंदर और डिफरेंट टाइप के एंड काफी ट्रेंडी डिजाइन थे इस लहंगे का। डिजाइन आप देखो कितना, यू नो, सिस्टर ऑफ द ब्राइड टाइप का लहंगा, और बहुत फंकी सा, बहुत क्यूट एंड बहुत क्लासी सा लहंगा है। मुझे ये शॉप काफी अच्छी लगी, इनकेस आप हैवी वर्क में ढूंढ रहे हो एंड आपका बजट है 50 से ऊपर का तो आप चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सटल से शेड में लहंगा भी ट्राई किया, काफी प्यारा लग रहा था। वीडियो में शायद इतना समझ नहीं आ रहा हो, बट ये है शॉप का एड्रेस, तो आप इसको चेक कर सकते हो। ये सब करते करते तो हम बहुत थक गए थे, हमें बहुत भूख लग रही थी, तो हमने ले लिया रिक्शा। और यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत शॉप्स बता दें, जैसे सभ्या कुटोर, हाउस ऑफ लहंगाज भी काफ़ी अच्छा है, केशव क्रिएशन है, पुनीत फैशन है, और एक काफ़ी फेमस है यहाँ की छाबरा स्टोर्स, इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस भी हैं, तो यहाँ पे भी साड़ी, सूट, लहंगा, मतलब सब कुछ मिल जाता है इनके पास, तो आप इनको भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे बजट आई थिंक 20-30 हज़ार पे लहंगे का स्टाइल हो जाता है। हेलो करीम खाने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को चांदनी चौक में सदर जाना हो या फिर जामा मस्जिद की तरफ कुछ खाने जाना हो, क्योंकि हम जा गए हैं जामा मस्जिद के पास में करीम्स खाने, तो आप 100% सोचना भी मत और प्लीज़ एक रिक्शा या ऑटो ज़रूर कर लेना, नहीं तो आपकी बन जाएगी बहुत ज़्यादा बैंड। हम तो यहाँ पे पहुँच गए हैं, हमने ऑर्डर किया, यहाँ पे बहुत फेमस है करीम्स का निहारी, उसके अलावा मैंने मुझे मटन कबाब खाने का मन था, तो निहारी के साथ में मटन कबाब और बढ़िया एकदम, मेरे को शीरमाल बहुत पसंद है तो मैंने वो ऑर्डर किया और बढ़िया से हम लोग ने खूब खाया, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। चांदनी चौक जब भी आप आओ तो आप कोशिश करो कि अपनी लिस्ट में ना हर बार एक चीज़ कवर करो बस, क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीज़ें कवर करने का सोचोगे तो आपका दिमाग हो जाएगा ख़राब और आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और लास्ट में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। मैं घर पहुंच गई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सामान दिखा दूं अपने हस्बैंड को, तो साथ साथ में आप लोग भी देख लो मैंने क्या क्या लिया है। और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनकी शादी होने वाली है, जिनको डेकोर का सामान लेना हो।
दिख रहा है, मतलब दिखा था वो बाहर उस पे लगाने के लिए। भाई मम्मी ने भी ये मंगाया था यार मुझसे। किसकी मम्मी? मेरी मम्मी। तुम बताना चाहिए था ना यार। ये खूब सारे वाओ, ये मेरे पास थे बट और ले लिए, जरूरत पड़ी यहाँ पे टांगू। कहता है पेरेंट्स को बोला मैंने कहा भैया सुनो ये ना मुझे तुम दे दो चार 400 रुपए में। तो कहते हैं चार 400 रुपए में, तो हंसने लग गया थोड़ा सा मुस्कुराया। कहते हैं देखो मैं आपसे वो नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। कितना बड़ा उसने कि चार आप ले जा लो मेरे से 380 रुपए में। तो मैंने इसकी शक्ल देखी तो मैंने कहा या तो ये बेवकूफ बना, फिर मैं समझ गई कि मैं ही बेवकूफ बन गई, मैंने अपने आप ही बोल दिया। तो मुस्कुराया पहले से अटे। कहते हैं अच्छा 400 रुपए में। कहते आप ऐसा करो मैं आपसे जबरदस्ती नहीं लूंगा, आप मेरे को चार ले लो 380 रुपए में। मैंने कहा भैया तुमने उल्लू बना दिया मुझे। और एक खूब सारी पतंगे हैं, ये हम खूब सारी डालेंगे यार। वेरी गुड यार, ये 100 रुपए का। ये तो टांगने के लिए बालकनी में टांगेंगे ना, ये बालकनी में भी टांग सकते हैं। मैं तो सोच रही यहाँ पे डाल दूंगी कि एरिया बना दूं ऐसे फोटो बूथ टाइप का ना, वहां पे या वहां पे है ना फोटो बूथ टाइप का। आर्ट लिया मैंने 800 रुपए की होगा। हाँ ये तो सवाल है, फिर लेके चला जाऊंगा। क्यों लेके चले जाओगे तुम? क्या करोगे तुम? नहीं सेकंड हैंड हो जाएगा। अरे बेबी मेरे को शूट के लिए भी तो चाहिए था इसलिए लिया। हाँ, तो दो दे देना। आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए हो तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा हो। बाय।